नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमेशा इस चीज का मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही है, विभिन्न प्रकार की स्कीमें आ रही है, तो उन स्कीमों का आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। राज्य सरकार की भी अलग अलग योजनाएं आती है, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग ये योजनाएं होती है। जैसा कि साथियों, आज मैंने एक योजना को आप लोगों के लिए बताना चाहा, इसका नाम है बालक बाहु योजना। इसे हम साथियों दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसे कि लड़का बाहु योजना। तो इस योजना के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए, और आप भी अगर इस योजना का फॉर्म अप्लाई करते हो तो मैं समझता हूँ आपको हर माह 10,000 रुपये मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। साथियों, इस योजना का जो नाम है वो है लड़का बाहु योजना महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। राज्य के युवा इसका लाभ उठाएंगे। इसका उद्देश्य है, साथियों आपको बता दूं कि युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करवाना, और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन तरीके से होगी। आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा, मैंने लिंक प्रोवाइड करवा रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। साथियों, हम देख लेते हैं यहां पर जो लड़का बहु योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये सरकार ने क्यों लॉन्च की गई है देश के पढ़े लिखे युवाओं के लिए। तो साथियों, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं और छात्रों को मुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र शुरू की है। इसके अलावा युवा छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह धन उन्हें नौकरी खोजने और खुद के लिए काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति और जीवन स्तर में सुधार होगा, राज्य की बेरोजगारी दर में कमी आएगी। यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं के विकास की गारंटी देगा और उनके भविष्य की उज्जवल करेगा, ताकि वे अपने करियर में आगे बढ़ सके। इस योजना की मदद से महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। तो ये सरकार ने अच्छा सोचा है युवाओं के बारे में, उनको बहुत ज्यादा ये प्रेरित कर रही है एक तरीके से योजना। उनका शिक्षा का जितना भी खर्चा है वो इसमें आप वो देगी, एंड विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं है और विभिन्न प्रकार के जो रोजमर्रा के जिंदगी के काम काज है उनका खर्चा भी देगी, एंड साथियों आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं साफ साफ ये मौका दिया गया है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ आपको महाराष्ट्र के सीएम दिखाई दे रहे हैं, उनका ये फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, हम एक बार इस योजना के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा आप ध्यान से सुनते चलना। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना की सफलता के बाद राज्य के लड़कों के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की। आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने पहले लाडली बहना योजना लॉन्च की, तो वो काफी सफलता उसको मिला। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की बहनों को उसका काफी सारा लाभ मिला, तो उस चीज को देखते हुए लड़कों के लिए लड़का बहु योजना शुरू की गई है। इस विशेष पहल की घोषणा 17 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं की मदद करने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम लड़का बहु योजना 2024 शुरू किया है। इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 मिलेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से बचने में मदद करने के लिए लड़का बहु योजना 2024 के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट साथियों, महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कहीं जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। योजना और इसके लाभों के बारे में अधिक जानने के लिए कहीं ना कहीं आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। एंड साथियों, आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और जल्द से वहां पर ऐसा हो कि लाभ मिले सरकार को, तो उसके लिए ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं जारी कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वित्तीय सहायता के रूप में क्या कुछ यहाँ पर दिया जाएगा, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वित्तीय सहायता मिलेगी। जैसे कि 12वीं पास युवा के लिए प्रति माह जो मिलेगा स्कॉलरशिप, जिसे वजीपा भी कहते हैं, वो 6,000 रुपये मिलेगा। तो 6,000 रुपये आपको सरकार दे रही है 12वीं पास को, मेरे ख्याल से ये बहुत होता है। आईटीआई और डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनको 8,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। डिग्री और स्नातकोत्तर जिन्होंने कर रखा है उनको 10,000 रुपये प्रति माह ये वित्तीय सहायता सरकार दे रही है। साथियों, नेक्स्ट साथियों, एक बार आप लोग ये भी देख लेना, आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से ये प्रश्न आ सकता है कि लड़का भाऊ योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी और कब प्रारंभ की गई थी। तो आपने देखा, लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई थी 17 जुलाई 2024 को, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। साथियों,
नेक्स्ट हम यहाँ पर जानने वाले हैं पात्रता और मापदंड, यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये चीज आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी राज्य के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो ये हो सकता है कि महाराष्ट्र के बच्चे भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं कि महाराष्ट्र के कितने बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चे, चाहे आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं के भी हो, मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य करें ताकि मैं अगली पार्ट में आपके राज्य में जो महत्वपूर्ण योजना चल रही है उसकी वीडियो डाल सकूं। ठीक है, आप इसको देख लो, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स होने वाला है क्योंकि आपको पता चलेगा, क्योंकि आप चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इनसे प्रश्न फंसते हैं। इंडिया जीके का जो करंट अफेयर्स बनता है वो यहीं से बनता है साथियों, तो ऐसी चीजों पर हमेशा आपको फोकस देना चाहिए। साथियों, यह योजना केवल महाराष्ट्र में रहने वाले छात्रों या युवाओं के लिए उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष होना जरूरी है। शिक्षा के लिए डिप्लोमा, स्नातक या कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होना चाहिए। तो 12वीं पास तो इसमें मिनिमम है ही, बाकी तो आपने कोई भी डिप्लोमा स्नातक की डिग्री ले रखी है तो अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के लिए केवल राज्य के बेरोजगार बच्चे ही पात्र होंगे, तो ये तो बेरोजगार बच्चों के लिए ही है। बाकी साथियों, आधार कार्ड और आवेदक का बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। तो ये थोड़ा आप देख लेना, आपके आधार कार्ड का जो है बैंक अकाउंट में वो जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। बालक भाऊ योजना महाराष्ट्र के लाभ, तो लाभ थोड़ा देख लेते हैं। राज्य में बेरोजगार युवाओं और छात्रों को लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र के तहत कार्यबल के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा बेरोजगार बच्चों को 10,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता भी मिलेगी। राज्य सरकार प्रशिक्षण के दौरान 12वीं कक्षा पास युवाओं, आईटीआई पास युवाओं और स्नातकों को क्रमशः 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रति माह देगी। यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं की तकनीकी और व्यवहारिक रोजगार क्षमताओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आप महाराष्ट्र की लड़का भाऊ योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सरकार से 6 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा साथियों, एंड प्रशिक्षण के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लड़का भाऊ योजना के तहत महाराष्ट्र में हर साल 10 लाख युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण का लाभ दिया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना जरूरी है यदि भी आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, आपका डोमोसाइल जिसे आप लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हो, आयु प्रमाण पत्र के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार का फोटो और बैंक खाता पासबुक, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लड़का भाऊ योजना का जो है मैं बता देता हूं आपको, ऑनलाइन आवेदन 2024 कैसे करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर देख लेना है। स्टेप फर्स्ट, आपको सबसे पहले लड़का भाऊ योजना की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो लॉग इन पर आपको जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मेन पेज खुल जाएगा। अब वेबसाइट का जो मेन पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ मेन पेज पर। तो यहां पर सेकंड स्टेप के जरिए क्या करना है, आपको वेबसाइट के होम पेज पर नया उपयोगकर्ता पंजीकरण, ठीक है, यहां पर इस पर क्लिक करना है या इंटर पंजीकरण विकल्प चुनना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यह अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कुछ इस तरीके का आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। इसमें आपका आधार कार्ड, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपको डाल देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, फिर आपको जरूरी फाइलें अपलोड करनी होगी, अंत में आपको सबमिट बटन चुनना होगा। इस प्रकार आपका लड़का भाऊ योजना 2024 के लिए आवेदन पूरा हो जाएगा। लड़का भाऊ योजना के लिए लॉगिन करें, सबसे पहले बालक भाऊ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, अब लॉगिन पर क्लिक करें, ठीक है। लॉग इन क्रेडिशन ऑफ उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड तथा सभी विवरण सही सही भरे, फिर सबमिट पर क्लिक करें और आप लॉग इन हो जाएंगे। रिक्तियों की सूची खोजे, आपको बता दूं कि CMYKPI की रिक्तियों की सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना कौशल विकास, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, तो होम स्क्रीन के होम पेज पर एक सूची विकल्प पर क्लिक करें तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्ट ये दे रखा है, इस तरीके से आपका वहां पर खुलकर आ जाएगा और आप आसानी से देख सकते हो। बाकी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दे रखा है, तो आप लोग
हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आपका प्रश्न है कि लड़का भाऊ 2024 योजना क्या है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना की सफलता के बाद राज्य के लड़कों के लिए लड़का भाऊ योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ किसने किया, तो इसकी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया, जो महाराष्ट्र के सीएम है। 17 जुलाई को इस योजना की घोषणा हुई। इस योजना के क्या लाभ है, तो इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 मिलेंगे। युवाओं को बेरोजगारी से बचने के लिए लड़का भाऊ योजना 2024 के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी साथियों। ठीक है साथियों, तो आज हमने जाना इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में। ऐसे ही आपको सरकार की विभिन्न प्रकार की स्कीमों के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमें जब समय मिलेगा तो आपको हम बताते रहेंगे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं आती है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे वो भारत सरकार की हो, सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल, सभी योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड महाराष्ट्र के अलावा जितने भी राज्य के आप रहने वाले हो आप जुड़े रहे, क्योंकि यह चैनल ऑल इंडिया लेवल काम करता है, यहाँ पर संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।